नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कश्मीर घाटी और कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से खबरों में है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर पलायन कर गए थे और उनको फिर से कश्मीर में बसाने की बात हो रही है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने कश्मीरी पंडितों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। एलओसी के पास शारदा भवानी मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर मंदिरों की घंटियों की आवाज जो है वो लोगों को सुनाई देंगी। क्या है इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण का प्लान, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मंजूर मीर की स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एलओसी पर अब मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देगी। घंटियां बजेंगी, आरती होगी, भजन कीर्तन होगा। और मंदिर से निकली हर आवाज सरहद पार तक गूंजेगी। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जो नए और बड़े काम मोदी सरकार ने किए हैं, उनमें से एक है कुपवाड़ा में बन रहा मां शारदा भवानी का मंदिर। हजारों साल पुरानी विरासत का एक बार फिर जीर्णोद्धार होगा और धरती के स्वर्ग कश्मीर में श्रद्धालु एक और पीठ पर मत्था टेकने जा सकेंगे। मां शारदा भवानी का मंदिर एलओसी से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जो दशकों से ना हो पाया वो अब हो रहा है, माता का धाम बन रहा है। ये टीटवाल का इलाका है जो कुपवाड़ा जिले में पड़ता है और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर पीओके है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पीओके की पहाड़ियाँ हैं। मेरे सामने पाकिस्तान का झंडा है और इस पार आप देख सकते हैं कि बहुत कम डिस्टेंस पर भारतीय तिरंगा जो है वो आपको यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई देगा। और इसके बीच में से किशनगंगा नदी गुजरती है जिस के कारण भारत और पाकिस्तान जो है आपस में डिवाइड हुआ है। बस सिर्फ एक नदी है जो इन दोनों देशों को अलग करती है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी इलाके में जो है 1947 में नष्ट किया गया मंदिर जो है उसकी तामीर फिर से की जा रही है। एक नए डिज़ाइन, एक नए आर्किटेक्चर के तौर पर जो है उसे तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीनों में वो मंदिर जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। मान्यताओं के मुताबिक शारदा पीठ मंदिर शाक्त संप्रदाय को समर्पित पहला तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इसी मंदिर में सबसे पहले देवी की स्थापना की गई। बाद में घाटी में खीर भवानी मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। ये पावन स्थल 18 महाशक्ति पीठों में एक के तौर पर पूजा जाता है। कितनी देर में जो है ये जो डिज़ाइन आप हमें दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि इस डिज़ाइन, इस शेप में, इस आर्किटेक्ट में यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा? जी देखिए, मुझे लगता है कम से कम अगर ठीक हालात रहे, सीज़ फायर भी हमारी चालू रही और यहाँ जो लोकल इंतज़ामिया है जिनको हमने लिया है अपने साथ में, तो लोकल इंतज़ामिया को लेके दो फेजेस में हमारा प्रोजेक्ट है। एक तो मंदिर का है, ये 6 महीने में मेरे हिसाब से मुकम्मल होना चाहिए। पर दूसरा फेज़ जो हमारा है यहाँ शारदा सेंटर और शारदा यूनिवर्सिटी, जिसमें एक म्यूज़ियम रहेगा, जिस और एक ऑडिटोरियम रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, क्योंकि शारदा तहजीब को एक्सप्लोर करना है। मैं चाहता हूँ जैसे मायमी में, यूनाइटेड स्टेट्स में मायमी सिविलाइजेशन का एक्सटेंट हमने देखा, इस तरह से वी शुड नो द एक्सटेंट ऑफ शारदा सिविलाइजेशन। इस पे पूरी तहकीक चले, उस पार भी हमारे 2-4 रिसर्चर्स ने किताबें लिखी हैं, इस पार भी हमारी अभी एक किताब जो है शाया हुई है राजा नजर बुनियारी की। तो मैं चाहता हूँ कि कुल मिला के शारदा सिविलाइजेशन एक, शारदा खाली मंदिर नहीं है, शारदा एक सबसे पुरानी तहजीब है। तो शारदा सेंटर के लिए हमारा मुतालबा है कि LG साहब के पास हम गए हैं, हमने उनके कान में ये बात डाली है, ऑफिशियली भी मिलने जा रहे हैं, तो शारदा सेंटर भी यहाँ बने जिसमें हमारे आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, म्यूजियम रहेगा, स्क्रिप्चर्स रहेंगे। तो सब तहकीक जो है वर्ल्ड ओवर, ये वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे ये सेंटर आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस मंदिर के बनने से जो एक तो भाईचारा जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, दूसरा
क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इस मंदिर के बनने से, क्योंकि शारदा टेम्पल से जो है लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ तो करोड़ों शारदा फॉलोअर्स है हमारे देश में, ना सिर्फ हमारे यहाँ, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी एक ज़माने में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना सिर्फ शारदा फॉलोअर्स आएंगे बल्कि वियतनाम, कंबोडिया, चाइना से बौद्ध मत के लोग भी आएंगे। करीब 5000 वर्षों पुराने इस मंदिर के अस्तित्व से कश्मीरी पंडितों का शुरू से नाता रहा है। अमरनाथ और अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर की तरह शारदा पीठ मंदिर भी कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। देश के विभाजन से पहले शारदा पीठ मंदिर के लिए छड़ी मुबारक से लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती थी। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पीओके का इलाका है और ये तीतवाल है, और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर 500 साल पुराना एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद इस मंदिर को यहाँ पर नष्ट किया गया। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पीओके की तस्वीरें हैं, पीओके की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का एक छोटा सा गांव है, और अगर आप दाएं साइड में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर का जो फ्लैग है वो भी लहराता हुआ नज़र आएगा। तो इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है, और इसी जगह पर शारदा टेम्पल जो है वो बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है, इस जगह के बारे में, कि 1947 से पहले यहाँ पर एक पिलग्रिमेज सेंटर हुआ करता था, और जो शारदा टेम्पल पीओके में है जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर पड़ाव हुआ करता था और यहाँ से ही छड़ी निकलती थी, और यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि यात्रा की शुरुआत हो जाती थी। और पिछले कुछ दिनों से इस मंदिर में जो है निर्माण का काम शुरू किया गया है, यहाँ पर शारदा यात्रा टेम्पल बनाया जा रहा है, और यहाँ पर काम जो है वो बड़ी शिद्दत से जारी है। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये टीटवाल का इलाका है। कुपवाड़ा में LOC के करीब जहाँ मंदिर की स्थापना की जा रही है, वहीं गुरुद्वारा और मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा। मंदिर हिंदुओं के लिए बन रहा है और इसके निर्माण के काम में मुसलमान लगे हैं। मंदिर के निर्माण का कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लेने वाले एजाज खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत सारी अवशेष चीज़ें जो है वो मिली है। क्या क्या मिला है, एजाज खान से बात करते हैं। एजाज साहब, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है खुदाई के दौरान मिले हैं, क्या साबित करती है ये सारी चीज़ें? जी देखें, ये जैसे हमारे जो चेयरमैन है रविंद्र पंता जी, उन्होंने बताया, मतलब कील ये आप देख रहे हैं सामने, है ना, ये जले हुए लकड़ी के टुकड़े ये देख रहे हैं। ये 47 में जब कबायली है यहाँ पे हमारे टीटवाल में, ये मुझे लग रहा है कि हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि इन्होंने जलाए हैं, ये हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे इन्होंने जलाए हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा मंदिर जलाया गया, हमारा गुरुद्वारा जलाया गया, मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ मैं, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा जो इत्तेहाद है हम उसको बरकरार रखने के लिए एक अच्छा मंदिर बनाएंगे, एक अच्छा गुरुद्वारा बनाएंगे और एक अच्छा काम करेंगे जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठ के आराम से पुरानी बिरादरी हम कायम करना चाहते हैं। शारदा भवानी का मूल शक्ति पीठ पीओके में है, खंडहर बन चुका है, 70 सालों से वहाँ विधि विधान से पूजा नहीं हुई। अब श्रद्धालु पीओके वाले मंदिर में भी पूजा की मांग कर रहे हैं। अब ये शारदा पीठ, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल शारदा पीठ को, पर जो आपने माहौल की बात करी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। दोनों ममालिक ने, इंडिया और पाकिस्तान ने जब करतारपुर खोला तो मैं वाहिद कश्मीरी हूँ, फर्स्ट कश्मीरी हूँ टू गो टू करतारपुर। मैं 24 नवंबर 2019 को करतारपुर गया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे क्लियर किया करतारपुर जाने के लिए, वाई नॉट शारदा? तो मेरी रिलीजियस राइट्स जो हैं वायलेट हो रही है। मैं ये कहता हूँ, मेरे स्वामी जी वहाँ पे गुरु 1948 तक मुकीम थे, आई हैव ए राइट टू पिलग्रिमेज। और तीसरी बात, किसी भी जगह आप दुनिया में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में देखें कि प्रेयर इबादत यानी एक दिन भी नहीं रुकी है, चाहे वो अल अक्सा मॉस्को, चाहे वो चर्च हो टर्की का, यहाँ क्यों रुक रही है? यहाँ
72 साल से क्यों बंद है। तो हमारा मुतालबा है ना सिर्फ ये मंदिर से एक बेस कैंप शुरुआत है, यहाँ एक 200 मीटर पे हमारा एक पुल है जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान आर्मीज एक्सचेंज करती हैं गिफ्ट्स ऑन ओकेजन, ऐसे सिविलियंस को भी वो इजाज़त दे के वो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करें। हमने अभी दिखाया है 14 सितंबर को, मेरे 30 सपोर्टर उस साइड के आए थे, मेरी बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है उस पार भी। कश्मीर एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में नजर आए, कश्मीरी पंडितों को उनका खोया वजूद वापस मिले, घाटी में अमन चैन कायम हो, इसकी कोशिश मोदी सरकार लगातार कर रही है। शारदा शक्ति पीठ का निर्माण भी इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।